कांग्रेस के उत्तराखंड इकाई भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से शुरू किया गया। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस विश्वसनीयता शून्य और सिद्धांत विहीन पार्टी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा और उनके स्थानीय नेताओं की गाड़ी यात्रा सब व्यर्थ है। आगे उन्होंने कहा है कि धामी सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन, अपराध नियंत्रण और विकास को लेकर ऐतिहासिक कार्य कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस से जुड़ो यात्रा निकाली चाहिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वो संगठन है जो निरंतर ही यहाँ पे इनका कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्यरत रहता है और जन जन तक हर कार्यकर्ता पहुँचा रहता है, हर घर तक एक कार्यकर्ता पहुँचा रहता है, हर घर की समस्याओं को सुनने वाला हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है। तो हर घर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घुसा हुआ रहता है और हर जन सेवक की तरह से जनता की प्रॉब्लम को सुनता है, चाहे वो बूथ के अध्यक्ष हो, बूथ के सदस्य।